वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लीनियर इंडिपेंडेंस देख ली है, अब हम इससे आगे बात कर रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मैं बता चुका था कि हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन यूज करेंगे वो आपस में सब की सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो अब हम इन इक्वेशन को अगर गौर से देखें कि ये इक्वेशन क्या है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पूरे सेट जिसको मैंने नाम ए दिया है, इस पूरे सेट में ए वन वन ए वन टू अप टू सो ऑन, पहली रो में ए वन एन, दूसरी रो में ए टू वन ए टू टू अप टू सो ऑन ए टू एन एंड अप टू सो ऑन, इस तरह लास्ट रो में ए एन वन ए एन टू अप टू सो ऑन ए एन एन, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। किन के? एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन के। फर्स्ट रो में एक्स वन का कोफिशिएंट ए वन वन, फर्स्ट रो में एक्स एन का कोफिशिएंट ए वन एन, लास्ट रो में x2 का कोफिशिएंट an2, nth रो में x2 का कोफिशिएंट। तो ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए कि ये क्या है कोफिशिएंट्स। उसके साथ आपके पास एक वेक्टर है जो के आपके वेरिएबल्स को कंसिस्ट कर रहा है, वेरिएबल के ऊपर x1 x2 अप टिल सो ऑन एक्स एन। तो अगर हम गौर से देखें, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है और इसके साथ एक कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज इक्विवेलेंट बनेगी आपके पास एक कॉलम वेक्टर के, जो कि इसको मैं कहूंगा बी वन बी टू अप टू सो ऑन बी एन। इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स ए जो है वो एक स्केयर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कहते हैं, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स स्मॉल एक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को स्मॉल बी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है वो एक स्केयर मैट्रिक्स है, एक्स जो है इसमें एक कॉलम वेक्टर है, कॉलम या फिर आप ये कह लें कि कॉलम मैट्रिक्स है विच इज इक्विवेलेंट टू बी, और बी इसमें किसके बराबर है आपके पास, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ए की डायमेंशन इसमें एन क्रॉस एन, एक्स की डायमेंशन एन क्रॉस वन, बी की डायमेंशन भी एन क्रॉस वन। अब गौर से देखें, हमेशा याद रखें जब मैट्रिक्स की बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है तो डायमेंशन हम कैसे गेट करते हैं। ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए ए और एक्स, इसकी डायमेंशन गेट होती है कि फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज को लास्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मिला दिया जाए, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट आएगा एन क्रॉस वन इन दोनों का, इस एन इधर से एन को इस वन के साथ इसने मिलाया है और यहां पे ये बनता है एन क्रॉस वन। इसका मतलब इसकी हर एंट्री जो है वो बी के हर एलिमेंट के इक्विवेलेंट आएगी। तो इसको हम ओरिजिनल लिखा करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये वाली इसकी फॉर्म होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं।